एक बार की बात है, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचर ने जेब से 100 रुपया का नोट निकाला। अब बच्चों की तरफ वो नोट दिखाकर कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं ये कितने रुपए का नोट है? सभी बच्चों ने कहा 100 रुपये का। टीचर ने कहा, इस नोट को कौन कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। अब उस टीचर ने उसे नोट को मुट्ठी में बंद करके बुरी तरह मसला। टीचर ने फिर से बच्चों को नोट दिखाकर कहा, अब ये नोट कुचल सा गया है, अब इसे कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब उस टीचर ने उस नोट को जमीन में फेंक दिया और अपने जूते से बुरी तरह कुचल दिया। फिर टीचर ने नोट उठाकर फिर बच्चों से पूछा कि अब ये नोट कौन लेना चाहेगा? सभी बच्चों ने फिर से हाथ उठा दिया। अब टीचर ने कहा, बच्चों आज मैंने तुमको एक बहुत बड़ा सबक पढ़ाया है। यह 100 रुपये का नोट था, जब मैंने इसे हाथ में कुचला तो यह नोट कुचला गया, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं हुई। इसकी कीमत 100 रुपये थी और वो अभी भी है। इसके बाद जब मैंने इसे जूते में मसला तो ये नट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 100 रुपये ही रही। ठीक वैसे ही इंसान की कीमत है और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा ही रहती है। आपके ऊपर चाहे कितने भी मुश्किलें आ जाए, चाहे जितने भी मुसीबत की धूल आपके ऊपर गिरे, लेकिन आपको अपनी कीमत नहीं गंवानी है। आप कल भी बेहतर थे, आज भी बेहतर हैं और कल भी बेहतर रहेंगे। तो अपने आप को पहचानिए और आप एक दुनिया में अलग यूनिक पर्सन हैं। आप किसी को अपने आप से तुलना ना करें। आप वो कर सकते हैं जो सामने वाला बंदा नहीं कर सकता। भगवान हर किसी को अलग अलग यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। आप अपने आप को निखारिए। आप जैसा कर सकते वैसा कोई नहीं कर सकता।